सिंघल की रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वहीं उनके सीए सुमन कुमार को मेडिकल चेकअप के बाद जेल भेजा जाएगा। दरअसल सुमन कुमार की 13 दिन की जो रिमांड है पूरी हो चुकी है और इसलिए ईडी की तरफ से जो सीए है उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की गई थी और आज पूजा सिंघल को सीआरपीएफ की सुरक्षा में पेशी के लिए ईडी की विशेष कोर्ट ले जाया गया था, जहां कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी। पूजा सिंघल की मुश्किलें नहीं हो रही कम, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड और बढ़ाई, सुमन कुमार को भेजा गया जेल। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया है। वहीं पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया। ईडी ने उसका रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से नहीं की। आज दोनों मुदालय सुमन कुमार और मिसेज पूजा सिंघल का प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा प्रोड्यूस दोनों किए गए। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर पूजा की तबीयत को देखते हुए आज भी उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत बिल्कुल ठीक बताई और उन्हें योग करने की सलाह दी है। उनका ब्लड प्रेशर और पल्स देखें, मैडम का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी या थायराइड जो बढ़ रहा था बीपी, वो तो अपना ट्रीटमेंट चल रहा होगा, मेडिसिन, हमको तो वो सब चीज़ नहीं बताया है। सर, जो बेचैनी और सर में दर्द हो रहा था वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सर। कोई दवा हुआ इसके? नहीं, हम लोग कुछ अगर इसके। मैडम योगा और ये कर रही है मेडिटेशन? नहीं, वो चीज़ हम नहीं पूछे हैं। नहीं कर रही है वो सब चीज़? नहीं पूछे हैं। इससे पहले ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ के लिए कोर्ट से 5-5 दिनों की रिमांड मांगी थी। रिमांड अवधि में दोनों से पूछताछ के दौरान ईडी को कई अहम जानकारी मिली। इस पूरे मामले में जहां ईडी ने पूजा सिंघल के कारोबारी पति अभिषेक झा से भी कई बार पूछताछ की है, वहीं जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और 3 खनन पदाधिकारियों से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। कई जिलों के आला अधिकारियों से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर अहम सुराग जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।